सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं एक नया एक प्रोडक्ट लाया हूँ आपके लिए। ये है जो मैंने वाला ऑलरेडी अनबॉक्स कर रखा है, इसके अनबॉक्सिंग में दिखा दूंगा आगे। ठीक है, इसमें है आपका डोम लाइट और कार इंटीरियर कैबिन लाइट जो होती है, कैबिन लाइट है। ये हम चेंज करेंगे अभी, जैसे मैं भी चेंज करके दिखाऊंगा यार। जैसे मेरे पास ग्रैंड लाइट है ना, इसमें कैसे चेंज होती है, और जनरली सारी ही गाड़ियों में सेम प्रोसेस चेंज होती है, कोई डिफरेंस नहीं है एग्जैक्ट। वैसे वाइट करके मंगाई है मैंने, तो देखते हैं। जैसे येलो लगी हुई है, ख़राब नहीं है वो, मेरी सही है। मैं बस चेंज करने के लिए, वाइट एम्बियंट अच्छा लगता है तो उसके लिए चेंज कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसी लगती है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और अनरैपिंग। ठीक है, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। टोटल चार आए हैं। तो इसके लिए हमें एक तो ये आपका स्क्रू ड्राइवर टूल चाहिएगा, बाकी एक अपने यही है। तो डायरेक्ट अब मैं इसे ओपन करता हूँ, साथ में आप देखेंगे कैसे ओपन होता है। कुछ नहीं करना है, एक प्रेशर पॉइंट पे आपको यहाँ पकड़ना है, इससे कि सिंपली इसमें आपको घुस जाए। जैसे लॉक्स बने हुए, जैसे यहाँ पे लॉक है, ईजिली लॉक से खुल जाता है। थोड़ा सा करना, दो लॉक है अंदर, एक ये है, इसकी प्लेट है। That's it, ये आपका हो गया बाहर। गंदगी भी बहुत हो रखी है इसमें, कीड़े वगैरह है, ये बंद है, बहुत टाइम से खुला नहीं, कीड़े वगैरह भी है। कोई नहीं, इसे हम बाहर फेंक देते हैं। अब आप ये देखिए, ये है इसका एक नॉर्मल सा बल्ब जो हमने ऑलरेडी मंगाए हैं। इसमें वाइट ये लगा हुआ है येल्लो कलर का, जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ दिखा देता हूँ जला के, कि ऐसा ये जलता है येल्लो कलर का। अब इसे हम चेंज करने वाले हैं वाइट कलर का। तो पहले हम इसको बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा संभाल के, अगर टाइट रहता है। दैट्स इट, ये देखो अपना, ये नॉर्मल अपना जो हैलोजन बल्ब था बाहर आ गया है। इसे हम यहीं पर रख देते हैं संगली। अब ये जो हमारा है, इसे हम ओपन करते हैं। थोड़ा अच्छी पैकेजिंग के साथ दिया है इन्होंने, तो ओपन कर लेते हैं इसको। ये छोटे छोटे से दो आते हैं ऑप्शन, ये है। इसमें कुछ नहीं, सीधे DIY, इसलिए मैंने बोला कि आपको सीधे कुछ नहीं करना, ऐसे एज इट इज लगा देना, जैसे हमने वो निकाला था इसे लिया ऐसे। ये थोड़ा सा एक मसला हो गया है, क्योंकि ये शायद कामयाब नहीं होगा। लाइट जल चुकी है पर ये थोड़ा हिलेगा। मैं दोबारा एक बार ट्राई करते हैं तरीके से लगाने का, कि कहीं ना कहीं ये साइड का जो इसका पोर्शन है, ये चीज़ जो है ये अटक रहा है इसमें। तो ठीक है, एनीवे पहले नीचे की साइड लगाते हैं। That's it. अब ये अपना हमारा प्रॉपर लॉक हो गया, लॉक की आवाज़ आती है, प्रॉपर लॉक हो जाता है। जैसे ये अपना लॉक हो चुका है, अब रोशनी इसकी क्या है, क्या लाइटनिंग इफेक्ट है, वैसे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे उससे हैलोजन से। तो बाकी कंपेयर करेंगे इसके रात में जलाएंगे कि कितना सफिशियंट है। अगर उससे तो लाइटनिंग कम हुई तो मैं इसे नहीं लाऊंगा, फिर दूसरी मंगाऊंगा जिससे कि बड़ी लाइट हो, क्योंकि कैबिन में लाइट अच्छी होनी चाहिए। ये थोड़ा कम हो सकती है तो फिर मैं इसे चेंज करूँगा। वापस से एज इट इज कैप लगा देते हैं। कैप लगाना कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सा जैसे हमने लगाई थी पहले। ऊपर की साइड इसमें दिए गए होते हैं, यहाँ पे ऐसे इसमें इंसर्ट किया, देन ये भी को ये हो गया सेट। हाँ, थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से करेंगे, DIY खुद करेंगे, थोड़ा देर निशान पड़ जाते हैं, बट ये तो एक नेचुरल है। स्क्रू ड्राइवर या कुछ अगर सॉफ्ट वाली चीज़ होती है उससे होगा तो कोई निशान भी नहीं पड़ेंगे, ये ऐसे आपको लुक देगी। अगर हम डोर से देखते हैं, परफेक्टली काम कर रही है। ये थोड़ा लाइट भी कम हो गया, अभी गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। लाइट उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, आप देखिए अब ब्राइट ज़्यादा हो गई है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट में थोड़ा लाइट ज़्यादा अच्छी दिखाती है। सो ये है इसके
रात का व्यू आप ऐसा कह सकते हैं कुछ, जो कि मतलब लाइट बहुत सही लगी मुझे एज़ कम्पेयर टू, ये देखिए बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं है। मुझे लगा था कि छोटी लाइटें होता है इतनी ब्राइटनेस ना दे, बट ब्राइटनेस अच्छी है आप देख सकते हैं, जनरली जो हमें यूज़फुल चाहिए होती है। मतलब पीछे भी मतलब ठीक ठाक लाइटिंग दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेनली आगे के लिए ही है तो इतनी ही लाइट देता है। बाकी तो मुझे कोई ऐसी कंप्लेन है नहीं इससे। अगर आप भी अगर अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मे बी अच्छा ऑप्शन होगा ये। बाकी इसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप देख लीजिएगा।